उठाते हैं, अपनी पोजीशन बना लेते हैं, आपके पैरों का गैप राइफल के अंदर, पिस्टल के अंदर पैरों के गैप का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपका पैरों का गैप ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगी, आपको खुद महसूस होगा यहाँ पे मेरा संतुलन अच्छा है। किसी को भी नहीं कहा जा सकता कि उसके पैर कितने ज्यादा खुलेंगे उसका संतुलन आएगा, ये खुद को ऑब्जर्व करना होता है। एक बेसिक है कि आपके कंधे की चौड़ाई के मुताबिक आपके पैर खुले हों। अगर आपको लगता है मुझे थोड़ा और ज्यादा खोल के बैलेंस मिलता है तो आपको उस तरह से आपके पैर खोलने चाहिए। आप जब राइफल को उठाते हैं, राइफल को उठाने के टाइम पे आप टारगेट के सामने खड़े हैं, खड़े होके आपने स्टैंड आपका नजदीक से नजदीक होना चाहिए। राइफल को आपने उठा लिया, आपके बट की फीलिंग लो सबसे पहले, दूसरी फीलिंग आपकी एल्बो की। अब जब आपने चिक लगा के साइट को देखा कि मेरी साइट कहाँ पे है, तो आपकी साइट लगभग आपके टारगेट के ब्लैक बुल के आसपास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपका नेचुरल अलाइनमेंट गलत है, उसको आगे पीछे करो, आगे पीछे हिल के अपना नेचुरल अलाइनमेंट ठीक करो। बार बार आपकी राइफल को उठा के देखो, ये एक या दो बार से नहीं होगा, आपको जब प्रिपरेशन टाइम दिया जाता है उसमें कम से कम 10-12 बार पहले ट्राई करके देखो। सीधा फायर करने की जरूरत नहीं है, उठाया हाँ ठीक है यहाँ पे ये आ गया, हाँ ब्लैक बुल पे आने लग गई, ये आ गया हाँ ये ब्लैक बुल पे आने लग गई, ये आ गया हाँ ये ब्लैक बुल पे आने लग गई, तो आपकी पोजीशन ठीक है। उसके बाद में आपने जब पोजीशन ले ली है, चिक लगाते हुए बैक साइड का सेंटर देखते रहो, चिक लगाते रहो, बैक साइड के सेंटर में आ गए, वहां पे रुक गए, यहाँ पे ब्रीथ लेनी है आपको। ब्रीथ लोगे राइफल ऊपर की तरफ जाएगी, ब्रीथ को छोड़ो धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ो। राइफल हमेशा 12 से 6 बजे की लाइन में आना ही चाहिए, ऊपर से नीचे 90 डिग्री में आनी चाहिए। यहां पे भी वही फॉर्मूला लागू होता है, अगर आपकी राइफल ऊपर से ऐसे घूम के और फिर आके यहाँ पे लगी है, या इधर से आप लेके आए हो और यहाँ पहुंच गए हो, इधर से आप लेके आए हो और फिर उसके पॉइंट ऑफ एरिया में पहुंच गए हो, आप ट्रिगर दबाओगे आपका शॉट परफेक्ट है, नहीं लगेगा। किसी बच्चे का अगर लग जाता है तो वो गलती से लगने लग रहा है, नहीं तो परफेक्ट नहीं आएंगे वो टेन, वो टचिंग टेन आएंगे, बैड शॉट जाएंगे। तो आपको बार बार कोशिश करनी है कि आप साइट देखते हुए साइट के सेंटर से धीरे धीरे नीचे आ